अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप मेरे ये क्वेश्चन का आंसर देंगे? और वो क्वेश्चन है, इच मैन वो मैन एंड चाइल्ड वॉज गिवन फूड। और दूसरा सेंटेंस है, इच मैन वो मैन एंड चाइल्ड वर गिवन फूड। यहाँ पहले सेंटेंस से मैंने एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जो है वॉज, जबकि दूसरे सेंटेंस से मैंने एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जो है वर। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? यहाँ आपके पास है 5 सेकंड्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है, यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरा वाला सेंटेंस सही है तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पहला वाला सेंटेंस सही है। क्योंकि रूल ये है, अगर आपके सेंटेंसेज में एक से ज्यादा नाउन हो लेकिन उनमें किसी के पहले इच या नो लिखा हो, यानी उन नाउन में से किसी एक के पहले भी इच या नो लिखा हो, तो फिर आप अपने सेंटेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिंगुलर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेंटेंस के शुरू में आया है इच, यानी मैंने लिखा है इच मैन वोमेन एंड चाइल्ड। इसी तरीके से अगर इच के जगह पर नो लिखा हो, जैसे नो मैन वोमेन एंड चाइल्ड वॉज गिवन फूड, तो इस सेंटेंस में भी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप बोलेंगे वॉज, यानी आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए एक दो और एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। इच बॉय एंड गर्ल वॉज इनवाइटेड, यानी प्रत्येक लड़का और लड़की को दावत दिया गया या इनवाइट किया गया। यह मेरे सेंटेंस में आया वर्ब सिंगुलर है। इच मैन एंड वोमेन हैज इक्वल राइट, इस सेंटेंस का मीनिंग है, हर मर्द और औरत के पास बराबर का अधिकार है या बराबर का हक है। यहाँ भी मैंने अपने सेंटेंस में एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जो था हैज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन है लेकिन उनमें से किसी के पहले इच या नो लिखा हो, तो आपके सेंटेंस में आने वाला वर्ब होगा एक वचन में।